हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। पोस्ट डिलीवरी डाइट के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। एक मैजिकल पाउडर भी मैंने आप लोगों के साथ में अभी रिसेंटली शेयर किया था उसकी रेसिपी, तो आपने अगर वो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे 5 सीड्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपको पोस्ट डिलीवरी ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। ये जो सीड्स हैं वो आपको आपकी रिकवरी में भी हेल्प करती हैं, साथ ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को तो आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको भी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। बहुत सारे इसके अंदर गुण होते हैं इन सीड्स के अंदर, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और यस, विदाउट मच अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, तो गाइज हम 5 सीड्स के बारे में बातें करने वाले हैं। वन बाय वन करके मैं सबके थोड़े थोड़े बेनिफिट्स आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे कंज्यूम करना है। और ये सारे ही सीड्स आपको अपनी किचन में आराम से मिल जाएंगे, और आपको मोस्टली पता भी होगा। आपके घर में जो आपके बड़ी एल्डर जो लोग होंगे उन्होंने आपको गाइड भी किया होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम की थी और आप किस किस फॉर्म में इनको कंज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहली जो सीड है वो है मेथी सीड, यानी कि फेन्यूग्रीक सीड। तो मेथी दाना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, बट पहले इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है मेथी दाना, क्योंकि आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में, बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो गया है, कम आ रहा है मिल्क, तो आप मेथी वाटर या मेथी को किसी भी फॉर्म में लेना स्टार्ट करिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो मिल्क प्रोडक्शन के अलावा आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं आपको या आपके बच्चे को, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है अगर आप ये मेथी को कंज्यूम करते हैं तो। उसके अलावा आपको और आपके बच्चे को कोल्ड वगैरह से बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है मेथी दाना। एंड उसके अलावा आप इसे कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कंज्यूम करने के लिए आपको आप जो मेथी पत्ता आता है उसके पराठे वगैरह सब्जी वगैरह बना के खा सकते हैं। जो मेथी दाना आता है उसको आप ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए और अपनी रोटी वगैरह में या सब्जी वगैरह में डाल करके आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेथी को रात में भिगा दीजिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी, और उसके बाद सुबह जो पानी है उसको आप पी लीजिए। ओवरडू नहीं करना है, मॉडरेट अमाउंट में ही इसको कंज्यूम करना है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट्स थे, बट अगर आपको थायराइड है, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको किसी तरीके की कोई एलर्जी है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले इसको कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उस कंडीशन में इसको एक स्पेसिफिक तरीके से कंज्यूम करने में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो नेक्स्ट सीड जो है वो है हमारी फेनल सीड, यानी कि सौंफ। तो सौंफ जो है वो बहुत ज़्यादा आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करता ही है। उसके अलावा जो भी आपका डाइजेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपके बच्चे को, जो छोटा बेबी है, फीड करता है उसको, ज़्यादातर बच्चों को ये कोलिक की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फेनल सीड्स। इवन जो कोलिक की दवाइयाँ आती हैं वो उसमें भी फेनल सीड वाटर ही डाला जाता है। तो फेनल सीड्स जो है वो आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है, मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, साथ ही इसके अंदर आयरन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको बहुत सारे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। आपको एनीमिया या ब्लड लॉस का जो प्रॉब्लम है, मतलब एनीमिया की प्रॉब्लम बेसिकली जो है वो भी इससे काफ़ी हद तक एड्रेस होती है। तो फेनल सीड्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा ईजी है इसको कंज्यूम करना। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा, स्वीट सा होता है, तो आप इसे कच्चा भी खा सकते हो, जैसे कि हम खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो आप वैसे खा सकते हो। इसकी चाय या पानी वगैरह बना सकते हो, बॉईल करके सोक करके रख दीजिए, वो पानी ले लीजिए, बॉईल करके पी लीजिए, जैसे भी चाहो वैसे इसका पानी आप बना सकते हो, सौंफ का पानी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो भी लड्डू वगैरह या कोई डिश बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, उस पर भी इसका तड़का दे करके आप बना सकते हो, या फिर सौंफ का पाउडर अपनी रोटी वगैरह में मिक्स कर लिया। तो इस तरीके से मल्टीपल वे में आप सौंफ को इंक्लूड कर सकते हो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में पोस्ट डिलीवरी। तो डेफिनेटली आपको फेनल सीड्स ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए, बहुत ही इजी, टेस्टी एंड इफ़ेक्टिव सीड है ये। ओके, तो नेक्स्ट सीड के बारे में बात करते हैं जो कि सेसमे सीड, यानी कि तिल।
तो तिल चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए, तो आप इसे कंज्यूम करना बिल्कुल मत भूलें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है आपका मिल्क प्रोडक्शन, उसको बूस्ट करता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं सारे सीड्स के अंदर, बट मेजरली इसके अंदर कैल्शियम आपको बहुत अच्छा मिलता है, जो कि आपको जॉइंट पेन वगैरह जो भी होता है पोस्ट डिलीवरी कैल्शियम की कमी वगैरह होती है, उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। बट अगर आप इस तरीके से सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको काफ़ी इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं, तो आपको जॉइंट पेन वगैरह नहीं होगा, कैल्शियम की जो भी कमी होगी उसकी भरपाई अच्छे से करेगा ये। और साथ ही अगर आपका जैसे मूड ऑफ रहता है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, डलनेस है, स्ट्रेस हो रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी काफ़ी हद तक रिलीव करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड सेसमे सीड्स इन योर पोस्टमार्टम डाइट। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सेसमे सीड जो है वो भी आप भून करके खाने के जस्ट बाद खाया जाता है, थोड़ा सॉल्ट के साथ भून लीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में, ऐसे तो आप खा ही सकते हो। उसके अलावा लड्डू है, चिक्की वगैरह है, अगर आप ये बना लेते हो गुड़ के साथ में या डेट्स के साथ में बना सकते हो, तो इस तरीके का अगर आप बना लेते हो तो बहुत अच्छा एक स्नैक बन जाएगा आपके लिए। जब भी आपको मंचिंग करनी हो तो आप ये खा सकते हो, दिन में एक दो लड्डू आपने खा लिए, बड़ा ही अच्छा, आपका मन भी भरेगा, आपको आपका जो क्रेविंग है स्वीट क्रेविंग है वो भी सॉल्व हो जाएगी, साथ में आप इन डाइट्स को अपनी डाइट में इन सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके वेज हैं, इस तरीके से आप कर लीजिए, इसको भून करके रख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका रहता है। आप कभी भी इसको चलते फिरते 2-3 चम्मच दिन में आपने खा लिया, आपका काम हो गया। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी सीड है वो है जीरा या क्यूमिन सीड्स बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, साथ में आपकी जो पोस्टपार्टम रिकवरी है उसके लिए भी जीरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो आयरन की तो ज़रूरत पड़ती ही है आपको पोस्ट डिलीवरी, आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें जीरा जो है, जीरा का पानी अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको मिलेगा, आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, और आप डाइजेशन वगैरह के लिए तो ये अच्छा होता ही है, बाकी इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो जीरा ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा इंडियन सब्ज़ी वगैरह में या दाल वगैरह में हम जीरा का तड़का इसीलिए देते हैं, क्योंकि जीरा हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड है उसके अंदर भी आपको जीरा थोड़ा एक्सक्लूसिवली लेना पड़ेगा, चाहे तो आप जीरा वाटर ले सकते हैं, जीरा के लड्डू वगैरह बनते हैं। तो जो मैंने हर्बल मिक्स बनाया है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, उसका पाउडर बना लेते तो आपको एक बार में उतना अमाउंट आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने उस पूरे दिन में इतना कंज्यूम कर लिया है। उसके अलावा फिर आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, और चाहो तो जीरा का आप पाउडर बना करके रख सकते हो, तो अपना जो भी दिन भर में मील ले रहे हो, दही रायता इस टाइप का कुछ ले रहे हो, तो उसमें आपने वो पाउडर मिक्स किया और पी लिया, तो इस तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो जीरा आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, आपकी रिकवरी फास्ट करता है, और आपके बच्चे के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना, क्योंकि इसके जो भी गुण हैं वो आपको आपका बच्चा भी फीड के थ्रू मिल्क के थ्रू कंज्यूम करता है, तो उसको भी आयरन वगैरह का जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका स्टमक भी काफ़ी अच्छा लाइट महसूस करेगा। तो इसलिए जीरा को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिए। आप चाहें तो जीरा का पानी बना सकते हैं, रात में जीरा को सोक कर दीजिए और सुबह एक गिलास पानी में आधा चम्मच जो टेबल स्पून आता है, आधा टेबल स्पून आप जीरा सोक कर दीजिए, सुबह छान करके उसको पी लीजिए, या फिर उसको बॉयल करके और फिर वो जो पानी है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सा हींग मिला लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट में भी और फ़ायदा भी करता है। तो इसलिए जीरा वाटर या जीरा का कोई भी तरीके से आप इसको कंज्यूम कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजवाइन वाटर या फिर कैरम सीड्स जो है इनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर, तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अजवाइन जो है वो आपके मिल्क प्रोडक्शन को तो हेल्प करता ही है, आपके जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, आपके बच्चे के जो भी कोलिक या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। एंड उसके अलावा ये आपकी जो इंटरनल रिकवरी है, जो भी आपको बॉडी पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है, रिकवरी जो आपकी इंटरनल हीलिंग है, उसमें जो अजवाइन का पानी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपको दर्द वगैरह से रिलीफ देती हैं, आपको रिलैक्स करती है, काम डाउन रखती हैं, आपको वेट लॉस में भी फर्दर जब आप
मतलब 3-4 महीने हो जाए उसके बाद आप इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। बट फिलहाल जो पोस्टपार्टम पीरियड है उसमें कैरम सीड्स या फिर अजवाइन का पानी या अजवाइन को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी रिकवरी के लिए, आपके बेबी का जो स्टमक है उसको मिल्क प्रोडक्शन है उन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए ज़रूर ज़रूर से आप कैरम सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। पानी के फॉर्म में लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बाकी उसके अलावा आप अजवाइन को भून करके भी आप अपने बेड साइड रख सकते हो, तो खाने के बाद थोड़ा सा एक चम्मच खा लिया या फिर चलते फिरते कभी भी आपने ऐसे छोटा चम्मच, एक चम्मच छोटा वाला जो रहता है उतना कंज्यूम कर लिया, चबा लिया, तो आप इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके मेथड है और इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो मैंने बनाई है वो ज़रूर आप चेक करना, आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये थे हमारे 5 सीड्स और ये 5ों ही सीड आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, और अगर आप 6 मंथ तक कंज्यूम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इन 5ों को ही आपको इंक्लूड करना चाहिए, ये 5 मैंडेटरी है। इनके अलावा भी बहुत सारे सीड्स आते हैं जिनको कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते, बट ये 5 जरूर है क्योंकि इनके बहुत ज्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स हैं इन योर पोस्टपार्टम पीरियड। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और भी इस तरीके का कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर सजेस्ट करना। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ कंटेंट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम केयर। सो यस, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं इस तरीके के पोस्ट एंड वीडियोज़ वगैरह अपडेट करती रहती हूँ। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।